ओम शांति। 2 मार्च 2019 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। प्रश्न, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? उत्तर, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पाठ बजाते हैं, यह सारा साक्षात्कार हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुणों वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुणों वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं याद की यात्रा में। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, वह तो बच्चों को सकाश की मदद दे रहे हैं, अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए, सकाश देते ही आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं की तरफ है। तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। फर्क है ना? डेड साइलेंस, यह अभ्यास करते हो डेड साइलेंस का। शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। आत्मा समझती है कि जितना याद करते रहेंगे उतना इस शरीर से निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होती है। तुम जानते हो हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे, फिर आएंगे। यह बातें और कोई नहीं जानते। यह ड्रामा को कोई भी जानते नहीं है। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापस जर्नी है। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है। बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है। यह भी बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है, पानी कभी पावन नहीं बना सकता। ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाते हैं, अंधे की औलाद अंधे। भगवान वाच्य है ना? अंधे और सज्जे कौन है यह भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो,
इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना होता है। भक्ति और ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। यह नॉलेज नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना? बच्चों को यह भी मालूम पड़ा है, देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं। वह है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की है। ऐसे नहीं बच्चे छोटे हैं, बाप बड़ा है। नहीं, वह सुप्रीम नॉलेजफुल बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है, जरूर शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महतत्व में रहती है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का उपाय भी नूंधा हुआ है। वापस तो जा ही नहीं सकते, भल कोई कितनी भी मेहनत करे। नाटक जब पूरा होता है तो सभी एक्टर्स आकर इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। बच्चे जानते हैं अब यह नाटक पूरा होता है। यह बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की यह नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना? आत्माएं सब कहाँ से आई? अगर कोई वापस जाता हो फिर तो वह रसम पड़ जाए। एक आए दूसरा जाए, फिर उसमें पुनर्जन्म कहाँ नहीं जाए। पुनर्जन्म तो शुरू से ही चला आता है। पहले नंबर में ही यह लक्ष्मी नारायण बाप ने समझाया है। पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की बात तो हो नहीं सकती। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परम आत्मा क्या चीज है? सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे। यहाँ तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होते ही नहीं। वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो, तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में यह गायन नहीं है, राम राज्य रावण राज्य। अभी तुम समझ गए हो राम राज्य का ड्यूरेशन कितना है। सिद्ध करना चाहिए, यह नाटक है, इनको समझना है। ऊंच ते ऊंच बाप है, वह भी नॉलेजफुल है। हम उनके द्वारा ऊंच ते ऊंच बनते हैं, ऊंच ते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं,
दैवी गुण भी धारण करने हैं। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, इस समय तुम जानते हो, हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। अगर कोई जानता हो तो बताए, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि ब्रह्म व तत्व निर्विकारी है। नहीं, आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता है, वह तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है, आत्मा में ही बुद्धि है। वह जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना? तुम्हारी बुद्धि कितनी स्वच्छ बनती और फिर मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कॉन्ट्रास्ट का मालूम पड़ा है। इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। अब अपवित्र से पवित्र कैसे बने, उसके लिए रड़ी मारते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है। अभी तुम जानते हो, यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते ही ले जाने। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते हैं। जिनका पाठ नहीं, वह शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं, वह है भक्ति मार्ग के, यह है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती हैं, अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबर वार तो है ना? एक्टर भी नंबर वार होते हैं। कोई का पगार 1000, 1500, कोई का 100, कितना फर्क हो गया। पढ़ाई में भी कितना रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होता है तो फिर से पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो फिर पढ़ने की बात ही नहीं, पद कम हो पड़ता है, फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं। एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं। पहले पहले एक ही राजधानी थी। यह तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में ही बहुत ठीके हैं और सब उन्होंने से ही सीखे हैं। उन्होंने की ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। इस समय उन्होंने की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो, इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। फिर तुम शांति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतनी सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाए? साइंस से विनाश हो जाएगा। सब आत्माएं शरीर छोड़कर घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करती आए है ना? तो साइंस और कैलामिटीज, जिसको कुदरती आपदाएं कहते हैं, यह भी होनी चाहिए, समझना चाहिए। यह लड़ाई निमित्त बनती है मुक्ति धाम में ले जाने के लिए। इतने सबको मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितनी भी मेहनत की, गुरु किए, हठयोग सीखे,
कोई भी मुक्ति धाम जा ना सके। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। तुम अडोल, अटल, अखंड राज्य करते हो। यहाँ तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। बाबा तुमको अटल, अखंड, सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा है, बेहद की बादशाही। यह वर्षा कब और किसने दिया, यह किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है, सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात, सेकंड में जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। यह भी ड्रामा बना हुआ है, रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहाँ जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है। चांद सितारों से परे है ब्रह्मांड, वहां यह कुछ नहीं होता। उनको कहां ही जाता है, साइलेंस वर्ल्ड, शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को वह भी याद है, तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो। और कोई भी नहीं जानते, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी यह लड़ाई तो कल्याणकारी है, सबका हिसाब किताब चुक तो होना है। सब पवित्र बन जाएंगे, योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अभी तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है, बरोबर हम सारे विश्व को सत्युग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे, वही फिर आसुरी गुणों वाले बनते हैं, फिर बाप आकर दैवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को यह पता नहीं है कि यह देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं, यह किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो यह तो जड़ चित्र हैं, एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का निकल ना सके। वह तो नेचुरल गोरे हैं, प्योर प्रकृति से शरीर भी प्योर बनते हैं, यहाँ तो इम्प्योर हैं। यह रंग बिरंगी दुनिया सत्युग में नहीं होगी। कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर, सत्युग में है सुंदर, कलयुग में है श्याम। सत्युग से कलयुग में कैसे आते हैं, तुमको नंबर 1 से लेकर
मालूम पड़ा है। कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला, नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे कृष्ण की आत्मा सुंदर थी, फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्मपत्री मिल गई तो सारे चक्कर की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते ही वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। यह पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार नहीं। एक टीचर सबसे ऊंचा, वह बैठ पढ़ाते हैं, वही सत्य है। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने सब हिसाब किताब चुक तो कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आपे ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। वरदान, समय के महत्व को जान। फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पाठ में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को स्वरूप में लाओ। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है, इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। स्लोगन, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.